बहुत मुश्किल बात नहीं है. There is a will, there's always a way. I had my passion for music and initially actually started as a stress buster. And then I realized that, you know, it increases actually my efficiency in my daily life, in my personal life and also my work life. So I pursued with it and I divided my time. 9 se 4 baje tak I am a doctor. 4 baje ke baad I am a singer. And there is no intermingling between those two things. Abhi ye kehna mushkil ho jayega ki ye अभी अभी बोलिए कि अच्छा वो सिंगर का बोलिए अच्छा जो डॉक्टर भी है अभी ये हो जाए वो ही होना है. आप 409 भी काम करा करें ना, आपके अपॉइंटमेंट लेने में 3 दिन लगते हैं, जितना नहीं आसानी से आपका अपॉइंटमेंट. तो अच्छा मम्मी भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिक और डॉक्टरी भी कर रही हैं, तो कौन सा रोल ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आजकल के बॉम्बे के टीनेजर्स का एक नया डायलॉग है, वो है चिल मम्मा कूल मम्मा. वो हर गर्म चीज़ों को ऐसे व्हाटएवर बी द हॉट सिचुएशन उसमें चिल करना या कूल करना होना मस्ट बी द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ अ मॉम. एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. जी हां, इनके पीछे इनके पति देव का हाथ है. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां. वो भी जोरदार ये सारी सामने सबसे थोड़ा सामने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाने के बारे में बताएं, जब ये आपके सामने आए और क्या हुनर आपने इनमें देखा? इसके जब कंपोजिशंस मैंने सुने थे दीपक जी ने कंपोज किए गाने, तो मुझे काकुल जी ने सब सुनाए और मुझे बहुत अच्छे लगे सब कंपोजिशंस. तो उसके बाद ये बात हुई कि चलो एक इसमें डुएट भी करते हैं. बाद में वो ऐड हुआ, नहीं तो पहले यही बात थी कि इनका पूरा एल्बम बनाया जाएगा, लेकिन इनको लगा कि चलो इसको भी चांस दे देते तो ब्रेक दिया करते हैं. और पता नहीं वो ब्रेक क्यों नाम रखा, ब्रेक में तो इंसान रुक जाता है और ब्रेक शब्द जो है ठीक नहीं, उसको कुछ चेंज करेंगे, कुछ नया सोचेंगे उसके बारे में. लेकिन इन्होंने मुझे फिर इसमें ऐड किया और ऐड करने से ये हुआ कि मैंने भी इसका मजा लिया. गजल भी बहुत अच्छी मशहूर गजल शकील साहब की, शकील बरानी साहब की गजल बनने गई. पहले से ही मैं ये गजल गाया करता था लेकिन वो धुन कुछ और थी. फिर इस धुन को गाया, बहुत मजा आया. इस धुन में दोनों बातें हैं, ट्रेडिशनल टच भी है और आज का मॉडर्न टच भी, दोनों को मिला के इस गजल को कंपोज किया गया है. और आपने देखा ही होगा कि वीडियो में मैं कितना मजा लेके इसको गा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई इसकी धुन, तो मैं भी उसमें खो गया था गाते हुए, इतना अच्छा लगा. तो मैं मुबारकबाद दीपक पंडित को देता हूँ और अच्छा इसके बाकी नगमे जो है वो भी सुनिएगा. और आज इस खास मौके पर, इस खास अवसर पर जो जिसको हम एल्बम रिलीज कहते हैं, एल्बम लॉन्चिंग कहते हैं, उसमें गजल के शहंशाह पंकज उदास जी यहाँ पे और मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जी ने वक्त निकाला है. हम लोग सभी बड़े मसरूफ हैं अपने अपने काम में. मैं अभी हरिद्वार से सीधा आ रहा हूँ, हरिद्वार से दिल्ली रात को बाय रोड ट्रैवल किया, सुबह की फ्लाइट पकड़ी, यहाँ पहुँचे सीधे होटल में आगे सूट कैसे के घर नहीं गए. लेकिन भाई साहब ये कोई नई बात नहीं है, पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से आप यही कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है. तो बहुत अच्छा लगता है कि पंकज जी भी इस तरह के प्रोग्राम में हैं. तो जैसे काकोली जैसे जिन लोगों ने अपना अभी शुरू किया है करियर, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अपना वक्त निकालते, तो ये बहुत अच्छी बात है. एक बार जोरदार तालियां पंकज जी बहुत बहुत बड़ा फंड है कि उन्होंने एक ही बार, मैंने जब फ़ोन किया पंकज जी को तो उन्होंने एक ही बार में मुझे बोला डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ. ये चीज़ वाकई में कहना चाहिए कि हमारी खुशकिस्मती और इनका बड़ापन. तो रियली आई एम सो सो थैंकफुल टू पंकज जी, थैंक यू सो मच. तो आपने पंकज जी का जिक्र किया है, इतना समझौता है और मैं औपचारिक तौर पर कहूँगा पंकज उदास साहब कृपया मंच पर आए, जोरदार तालियां. एंड वर्षा पटवाल जी से अनुरोध एक बार फिर कि मुख्य द्वारा पंकज जी का अभिनंदन करें.
और पंकज जी से मैं आप अनुरोध करूंगा कि चंद शब्द आज की शाम के मुताबिक जरा आप हमारे साथ बांटें। हर साल हम एक कॉन्सर्ट करते हैं खजाना के नाम से। उस कॉन्सर्ट का मकसद यही है कि गजल के नए जो फनकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया जाए और उनको उनका तारुफ लोगों से, मुंबई के सुनने वाले, गजल सुनने वाले ऑडियंस से उनका तारुफ कराया जाए। अनुप भाई भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है खजाना प्रोग्राम का। और हम सब जब हमने खजाना प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने यही सोच के ये प्रोग्राम शुरू किया था कि गजल का कारवां जो है वो कहीं थोड़ा स्लो हो गया है, उसकी जो रफ्तार है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अब जरूरी है कि नई नस्ल के फनकार, नई नस्ल के कलाकार सामने आए और उन कलाकारों को हम प्रोत्साहित करें, उनको एनकरेज करें ताकि गजल की दुनिया में गजल गाने वाले कलाकारों का जो हुजूम है पूरा वो बड़ा हो। आज जब मैं स्टेज पे खड़ा हूं तो मुझे उस बात की बिल्कुल वो पूरी बात ताजा होती मेरी यादों में कि कितना जरूरी है कि नए फनकार और खास करके गजल के नए फनकार सामने आए। ककोली की सीडी मैंने सुनी और मुझे ये एहसास हुआ कि एक बहुत ही इनसेंट सी, बहुत ही मधुर, बहुत ही सादा लेकिन ताजा आवाज है और बहुत ही एक सिंसियर एफर्ट है, सिंसियर अटेम्प्ट है गजल गाने का। तो उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनके अंदर जो लगन है, उनके अंदर जो पैशन है कि मुझे गजल गाना है। और यही चाहिए कि नए कलाकार इस पैशन के साथ सामने आए कि हमें गजल गाना है और गजल बिल्कुल डेडिकेशन के साथ गाना है। काकुली बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें अनुप जी जैसे गुरु मिले, उनका साथ मिला। अनुप भाई को मैं आज नहीं लेकिन 1978 से मेरी पहचान है और मैं और अनुप भाई इस संगीत की दुनिया के बहुत सारे सालों के, जिसको कहें कि वी आर विटनेस टू ऑल दीज मेनी मेनी इयर्स ऑफ म्यूजिक। यस, तो 40 सालों में हमने जो देखा उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अनूप जलोटा जी एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने किसी को मना ही नहीं किया, हमेशा सबके साथ खड़े हुए, हमेशा सबको मदद की, हमेशा सबको एनकरेज किया। और यही वजह है कि आज काकुली के साथ मैं वीडियो देख रहा था और ये भी अप्रिशिएट कर रहा था कि 40 साल के बाद भी उनकी आवाज वैसी की वैसी है, उनके गाने का अंदाज वैसा है और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस वीडियो में जो गाया है काकोली के साथ वो काबिल तारीफ है। जहां तक दीपक का सवाल है, दीपक एक बहुत ही सुलझे हुए कलाकार है, वो संगीत के माहिर है, वो संगीत जानते हैं, संगीत इनके खून में, संगीत ये विरासत में लाए, तो इनके पास इतने सारे क्वालिफिकेशंस हैं
और उसके साथ साथ उनके अंदर एक आत्मा है, उनके अंदर एक रूह, जो बहुत जरूरी होता है एक कलाकार के लिए कि कलाकार की रूह जो है वो संगीतमय हो। तो ये संगीतमय रूह के मालिक हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस उन्होंने बनाए हैं, मैंने सुने हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ और सोचता हूँ कि दीपक जो है वो इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हु इज रियली फिनोमिनल। जब वायलिन की बात आती है तो वायलिन में वो लाजवाब हैं, जब म्यूजिक अरेंजमेंट, म्यूजिक, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था गजल सिम्फनी के नाम से, तो व्हेन इट कम्स टू अरेंजिंग द होल सिम्फनी ही इज आउटस्टैंडिंग। तो दीपक इज रियली अ वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट। इन शॉर्ट ये सब कहने की वजह ये थी कि काकुली इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिला, और उसके साथ साथ एक ऐसी म्यूजिक कंपनी टाइम्स म्यूजिक कंपनी, जिसने टाइम्स म्यूजिक कंपनी ने नॉन फिल्म म्यूजिक, जिसे हम कहते हैं जो फिल्मों का म्यूजिक नहीं है, नॉन फिल्म म्यूजिक को बहुत प्रमोट किया है, दिल से प्रमोट किया है, और आज भी टाइम्स म्यूजिक वही कर रहा है। तो टाइम्स म्यूजिक स्पेशली गौरी, वर्षा और बहुत सारे टाइम्स म्यूजिक के जितने मेरे दोस्त हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अपनी जो एक ट्रेडिशनल अपना जो अप्रोच है वो कायम रखा है कि हमेशा नए लोगों को प्रोत्साहित करना, नए लोगों को एनकरेज करना। और मैं यही दुआ करूँगा, शुभकामनाएं मेरी कि काकोली का ये जो एल्बम है वो बहुत बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो, और उनके दूसरे और एल्बम्स आए और वो गजलों की दुनिया में अपना नाम रोशन करें, ये मेरी दुआ। बहुत शुक्रिया पंकज जी। और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, एक दो साल पहले कॉन्सर्ट था हमारा पूना में, तो विजय घाटे जी और मैं श्रीधर परफॉर्म कर रहे थे और विठल दादा ताल दे रहे थे, वो भी फिल्म में। तो इनका जो सुनकार जो पना है, जो कान सेन और सुनकार और म्यूजिक के लिए जो एक समर्पित हैं, मैं चाहूँगा कि इस शो अवसर पर इस सालों से जुड़े हुए सभी हमारे जो कलाकार हैं, पंडित सुनील दास जी, संजय जयपुर वाले जी, शक्की लाजमी साहब, इर्शाद दलाल जी और पुरवाई चटर्जी, अश्विन श्रीनिवासन, सेतु रमन, हीरा पंडित, जो जो ये हड्डी है, रीढ़ी की हड्डी है इस एल्बम की, बैकबोन है, राकेश पंडित, प्रदीप पंडित, राजा पंडित, प्लीज, और विठल दादा, प्लीज 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 विठल दादा के लिए, के लिए अभिनव जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज स्टेज पे। और अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो प्लीज आप आइए, आपका फंक्शन है, प्लीज कम। चलो चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। ओके, रोल करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन के। जिस तरह से गजल है, काफ़ी खूबसूरत गजल है, आपने सुना होगा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गज़ल हम सब जानते हैं कि भारत की एक परंपरा है, गज़ल जो है वो हमारी संगीत का जो इतिहास है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। बड़ी खुशी होती है कि जब नए फनकार आते हैं और अपना जादू, अपनी खूबसूरती, अपना खूबसूरत गाना जब आपके सामने पेश करते हैं। इस एल्बम में भी कुछ ऐसी ही बात है कि बहुत ही ताज़ा आवाज़ है, बहुत ही एक सुंदर अंदाज़ है, और मैं समझता हूँ कि गज़ल की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है जो काकोली जी का है, और मैं दुआ करता हूँ कि इनका ये एल्बम बहुत बहुत मशहूर हो, बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो। आपने कहा कि रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जी, जी रफ्तार वापस
वो कैसे बढ़ेंगे? नहीं, ज़रूर जब नए फनकार आएंगे, जब नए फनकार एक डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो मुझे ये यकीन है कि गज़ल जो है वो उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से चलती थी, उसी रफ्तार से फिर गज़ल जो है उसका कारवां चल पड़ेगा। मेरा एक नया एल्बम बन रहा है जो फरवरी में आएगा, और आप सबको मैं ज़रूर दावत दूंगा जब लॉन्च करूंगा। तो क्या नाम होगा उसका? नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी एक महीने के बाद उसको रिलीज़ करेंगे। हाँ, जैसे आज हमने काकुली जी को सुना जी, और भी दूसरे जो फनकार होंगे आज जी, जी। कौन ऐसा गज़ल जो है, सिंगर है जो आपकी नज़र से काफ़ी अच्छे हैं? और बहुत सारे नए फनकार हैं, बहुत सारे नए फनकार हैं जो गज़ल अच्छी गा रहे हैं, और गज़ल जो है उस गज़ल जो है उसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ वो पेश कर रहे हैं, जिसमें शबरी चौधरी है, पूजा गायतोंडे हैं, मोहम्मद वकील हैं, बहुत सारे ऐसे नए कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। जी थैंक यू। जैसे वी ऑल नो ये गज़ल का इवेंट है, तो गज़ल आप कितना पसंद करते हैं, कितने करीब है दिल आपके दिल के? आई एम अ बिग गज़ल फ़ैन, बचपन से ही मैं जगजीत सिंह जी को सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ, और आपको कहने की नीड ही नहीं है सॉरी तो मैं बचपन से ही गज़लें सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ, स्पेशली जगजीत सिंह जी, और मैं उनसे मिली भी हूँ। और गज़लों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि शायरी पर, पोइट्री पर बहुत ध्यान दिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट गज़ल्स। इस एल्बम के लिए आप खास तौर पे क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो एल्बम सुनूंगी, मैंने अभी तक सुनी नहीं है, लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दीपक पंडित जी का म्यूज़िक है, और दीपक पंडित जी इज़ अ जीनियस, स्पेशली वन इट कम्स टू कम्पोजिंग, और वायलिन में तो वो उनसे बड़ा महारत मैंने नहीं देखा। ही इज़ एन अमेजिंग म्यूजिशियन एंड इवन बेटर ह्यूमन बींग, तो उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है तो अच्छा ही होगा। और हम आपकी म्यूज़िक की बात करें तो हाल ही में रईस मूवी में आपका गाना हाँ जी, आया है हाँ, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया जी, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया, और गाना बहुत ही खूबसूरत है। आई एम ग्लैड कि मैं इस गाने का एक हिस्सा बनी, और शाहरुख खान इस गाने में है, आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। रईस मूवी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बेस्ट विशेज, रिलीजिंग को तैयार है, साथ में काबिल का भी क्लैश है जी, तो उसके लिए आप गिरना मत बस। वेल माई बेस्ट विशेज़ टू द टीम ऑफ रईस। प्रोमोज और टीजर्स देख के लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर होने वाली है, स्पेशली शाहरुख का ये जो लुक है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लुक देखा है, एकदम एंग्री यंग मैन लग रहे हैं, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। अपार्ट फ्रॉम रईस, एनी अदर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग और जो ऑडियंस को सुनने को मिलेगा? जो मैं गा चुकी हूँ वो मैं बता सकती हूँ, आई संग फॉर अ फिल्म कॉल्ड डिया माया, उसमें अनुपम रॉय का म्यूज़िक है, जिन्होंने पीकू के लिए म्यूज़िक दिया था, तो